300 है, इस पर डिस्काउंट चल रहा है 50,000 रुपये। अच्छा, कितना प्राइस? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे ग्वालियर आया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मेले के बारे में कुछ बता दिया जाए, मतलब कि अपडेट दे दिया जाए कि कितना लग गया है मेला। तो इसलिए मैं आया हुआ था, थोड़ा गाना बज रहा होगा इसलिए मुझे थोड़ा तेज़ बोलना पड़ रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। मेले के साइड ही खड़ा था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक मेले का ब्लॉग दे दिया जाए प्रॉपर। फिर से मतलब मेले के साइड से ही गुजर रहा था मैं रोड से, तो मैंने सोचा मेले का दे देता हूँ आपको एक ब्लॉग, अपडेट दे देता हूँ कि कितना लग गया है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। आप सामने जो देख रहे हो ये पूरा शोरूम बन रहा है मेले का। यहाँ से ये गेट नंबर पहला है जो कि 20 नंबर छतरी के पास पड़ता है। तो जितने भी आप ये देख रहे हो मैं घुमा के दिखा देता हूँ, यहाँ पे बनेंगे शोरूम आगे तक और यहाँ सामने भी है। तो अभी बने नहीं हैं, अभी बनने चालू हो रहे हैं शोरूम। अभी आपको ये भी दिखाऊँगा कि कितनी भीड़ होने लगी है, कितनी नहीं। तो गाइस यहाँ से देख लो, यहाँ पे तैयारी चल रही है, जैसे बेड वगैरह, और अपन है 20 नंबर छतरी पे सामने। और अभी आपको दिखाऊंगा कि कितनी भीड़ लग गई है, कितनी नहीं। पूरा फर्नीचर वगैरह का है सिस्टम। और ये हमारा बहुत पुराना गाना लॉ प्लाजा, इतनी लग गई है देखो दुकान खुशवाहा। अभी भीड़ चालू हुई है और अभी टाइम हो रहा है 2, तो अभी भी भीड़ हो गई है, मतलब लगभग शुरू हो गई है। और सामने देख सकते हो झूले वगैरह, और यहाँ पे है ढोल वगैरह, बढ़िया बढ़िया है मेले में ढोल। तो यहाँ पे ढोल वगैरह भी, अगर जिसको लेना हो, इसकी भी शॉप लग चुकी है। अब चलते हैं अपन 13 नंबर छतरी पे, यहाँ पे क्या क्या लग गया है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये बच्चों का है, यहाँ पे जैसे कप वगैरह देख रहे हो मेले में, बड़े सस्ते सस्ते और बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं कप वगैरह। अरे मेले की जो मेन शान है वो है पापड़, पापड़ तो हमेशा मिलने ही है बड़े वाले, तो ये देख लो। और अभी हम शायद 13 नंबर छतरी पे, और ये हरिद्वार वाला रेस्टोरेंट, ये बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, हमेशा लगता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा अच्छा खाना, मतलब हरिद्वार वाला शुद्ध शाकाहारी। यहाँ कढ़ाई वगैरह, और चलते हैं अपन आगे क्या क्या लगा हुआ है, आपको पूरा मेला घुमाने की कोशिश करेंगे। भीड़ तो फिर भी होने लग गई है लगभग अच्छी खासी। मेला क्या है ना, बहुत बड़ा है यार, तो हर तरफ घुमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब दुकानें इतनी लग गई, अपडेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये क्या है, बच्चों के लिए खिलौने वगैरह सब कुछ लग गया लगभग। और आके चलते हैं अपन, मतलब यहाँ पे लगभग दुकानें लग गई हैं, शोरूम वगैरह अभी नहीं लगे हैं जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया। यहाँ पे चश्मे वगैरह घड़ी वगैरह की भी दुकान है, बहुत अच्छी खासी है। चलो घड़ी वगैरह के रेट पूछते हैं इनके सबकी, मतलब क्या रेट है घड़ी की? मतलब ये इधर वाला जो कलेक्शन है ये किसकी? 150-200। तो ये डिजिटल है क्या? ये डिजिटल है ये? कितने के भाई ये सब? 103 वाला भाई जोड़ी, ये 103 की तीन जोड़ी, 104 वो 100 रुपए के दो भाई। ये साइज साइज के साइज होता है बाबूजी, किसी को भी आ जाएगा। जैसे ही अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं उतनी ही भीड़ बढ़ती भी जा रही है, मतलब ठीक है, अच्छा लग रहा है, अच्छी वाइब आ रही है, इतनी भीड़ ठीक है मेले के हिसाब से। और अभी अपन जाएंगे झूले के सेक्टर में भी, अभी क्या क्या लग गया है वो चीज़ आपको दिखाना ज़रूरी है, तो वो सब चीज़ें देख लो ऐसा कुछ है। और आगे बढ़ें तो उस साइड है 11 नंबर छतरी, यहाँ है फल फ्रूट की दुकान वगैरह। अभी क्या है, शोरूम वगैरह नहीं लगे हैं, और आगे भी देखेंगे अपन क्या क्या है, यहाँ देखना ज़रूरी है ये क्या सिस्टम है। तो यहाँ पे लेडीज़ों के क्या है, क्या है ये? और यहाँ पे है लेडीज़ों के, मतलब क्या बोलते हैं, काजल वगैरह। और इस तरफ की मैं भीड़ दिखाता हूँ 11 नंबर छतरी की, तो यहाँ पे है कुछ ऐसी भीड़। अरे वाह, ये वाली आइसक्रीम ढूंढ रहा था मैं, ये मेरे को बड़ी मस्त लगती है, तो ये खाते हैं। एक आइसक्रीम खाई है, और आइसक्रीम खा के बहुत अच्छी थी, मज़ा आया। अब आगे बढ़ते हैं, तो
मतलब मेले में ना यार ये मजा आता है, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें भी है ना सस्ती सस्ती में मिल जाएंगी। ये देखो पापड़ वगैरह, हाँ बर्तन वगैरह के सामान, यहाँ चूड़ी वगैरह। और यहाँ पे लेडीज़ों के कुछ स्वेटर या टॉप वगैरह हैं शायद, तो ये भी बहुत सस्ते सस्ते हैं, 150-150। अगर आप 100 भी बोलोगे तो आपको 2-3 बार बोलने पे 100 में भी दे देंगे। और मतलब लगभग कुछ कुछ दुकानें लग चुकी हैं और कई दुकानें अभी मतलब बस शोरूम वगैरह नहीं लगे यहाँ पे, भेलपूरी वगैरह खाने वगैरह की अलग दुकानें, खाने के हिसाब से तो हर चीज़ लग गई है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है, मतलब मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं और जो बहुत ज़्यादा दिन तक चलती भी है, चाहे वो पहनने का हो, कपड़े हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो। मतलब यहाँ देखो, तो अभी अपन चलेंगे 10 नंबर छतरी पे और देखते हैं 10 नंबर छतरी पे क्या क्या है। अभी फ़िलहाल फिर भी उतनी भीड़ नहीं है जितनी ग्वालियर मेले में होती है, ये तो कुछ भी नहीं है, वरना हड़कंप मच जाए इतनी भीड़ होती है। और आप लोग ये वाला गाना सुनो, ये वाला गाना अगर मेले में ना बजाए ना ग्वालियर मेले में, तो इस मेले की शान खराब है, ये समझ लो। तो चलो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, तो ये आप जो देख रहे हो इसको बोलते हैं खजला, बड़ा ही मीठा होता है, अच्छा लगता है, ये भी मेले की एक शान है। तो आप देखते चलिए, कई दुकानें, मतलब मैं तो खैर दुकानें ही दिखाने आया था कि कितनी दुकानें लग गई हैं, पर फिर भी अगर मैं आप सामने से आओगे, मतलब आप खुद घूमने आओगे तो आपको पता चल जाएगा। बट ये क्या है, जैसे फ़ोन में इतने अच्छे से पता नहीं चल पाता अपन देखते हैं तो, पर फिर भी मतलब ग्वालियर मेले में जितनी दुकानें लगती हैं अभी फिर भी बहुत अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। और भीड़ के हिसाब से जो घूमा है, जो बचपन से ग्वालियर मेले घूम रहा है, उनको तो पता ही होगा कितनी भीड़ तो नहीं होती, मतलब इससे कई गुना ज़्यादा भीड़ होती है। और मतलब और ये तो कुछ भी नहीं है, और दुकानें भी देख के इतनी दुकानें अभी नहीं लगी हैं, मतलब कि ठीक है, अगर आप शांति चाहते हो, अगर इस मेले में इतने मेले में घूमना चाहते हो तो आपको अच्छा लगेगा, वरना आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हो कम से कम 15 दिन और, ताकि उसके बाद और अच्छे से लग जाए, 15 दिन के बाद तो पूरा फुल लग जाएगा। अब चलेंगे अपन 8 नंबर छतरी पे, और मेरे को 8 नंबर छतरी पे कुछ ज़्यादा खास भीड़ लग नहीं रही, मतलब नॉर्मल है, हल्की फुल्की, तो देख के आते हैं कैसा क्या है। यहाँ देखो 299, मतलब 300 रुपये में बहुत ही अच्छे अच्छे जूते मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे कुर्ते वगैरह भी आपको 100-100 में मिल जाएंगे, मतलब ये जो देख रहे हो ना सामने, बहुत सस्ते हैं, 200-200 रुपए के। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कपड़े जो आपको मिल रहे हैं ये आपको भाई दे देंगे 100-150 रुपए में, और ये बिल्कुल नए हैं, मतलब ये माल जिनको रिजेक्ट कर दिया जाता है उनको भेजा जाता है, तो बहुत गर्मी वाले कपड़े हैं। तो पहनने का दे दोगे आप हैं? तो भाई 150 का दे देंगे, आप आओ, वैसे नए होते हैं कंपनी रिजेक्ट कर देती है तो वो ये सेल करते हैं। तो ये रेस्टोरेंट, मेले का रेस्टोरेंट अभी बन ही रहा है, मतलब तैयारी चल रही है, इतना कुछ लग गया है और इतनी ही कुछ भीड़ है, तो ये देख लो। चलते हैं 5 नंबर छतरी पे, वहाँ देखते हैं वहाँ क्या क्या है और क्या क्या लग चुका है। यहाँ पे सारे मैट वगैरह जो भी हैं ये मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पे भी क्या है भाई, ब्रजवासी, ये भी बहुत फेमस है भेलपूरी के मामले में। तो देखो अपने को अपने ग्वालियर मेले में क्या मिला, तुर्की आइसक्रीम गेम वाला, तो बढ़िया ये है। तो ये देखो, ये जितने भी आप शोरूम जैसे ये देख रहे हो, शोरूम नहीं है, मतलब ये अभी सिर्फ शोरूम बना नहीं है, अभी ये सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहे हैं, तो ये सिर्फ अभी डेमो के लिए। डिस्काउंट करके कितना होता है? 2,31,000। ये भी नया है, नहीं वाला जी भी, हाँ ये होंडा का CB 300F, इस पर डिस्काउंट चल रहा है 50,000 रुपये। अच्छा कितना प्राइस? 2,65,000, 2,15 का है सर, प्लस 8 मेले का मिल जाएगा आपको 8,000 रुपये डिस्काउंट, 3-2 लाख का, 2,5-2,7 ऐसा पड़ेगा। अच्छा लग रही है गाड़ी।
तो गाइस यहाँ पे आप टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हो, ये सारी गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव के लिए हैं। और अगर आप लोगे तो आपको कंपनी से बिल्कुल न्यू मिलेगी, ये सिर्फ टेस्ट ड्राइव के लिए होती हैं। रूम बने नहीं है, देखो बन रहे हैं, तो अभी ये सारे डेमो के लिए लगा रखे हैं। जितने भी आप ये देख रहे हो कार बाइक वगैरह, ये सारे डेमो के लिए हैं। तो अब चल रहे हैं अपन झूला सेक्टर में, तो झूला सेक्टर में क्या क्या है वो दिखाता हूँ, और कितना झूला क्या क्या चालू हो गया वो भी देखेंगे अपन। चल तो यहाँ से देखो पूरा झूला सेक्टर, मतलब सारे झूले चालू हो गए हैं, और बड़ा ही प्यारा लगता है क्योंकि अभी ये शाम का टाइम है। शाम के टाइम इतने शाम में जो लाइटिंग होती है ना, अगर बिल्कुल अंधेरा हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आता। मतलब इतने शाम में जो लाइटिंग जलती है झूलों की, मतलब मज़ा आ जाता है। तो आप ये पूरा देख सकते हो कितना बढ़िया है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको असली भीड़ इस झूला सेक्टर के तरफ, देखो कितनी भीड़ है देखो। ओहो भाई साहब, आगे तक देखो, मैंने फोन ऊपर कर दिया और आप देखते रहो कितनी भयानक भीड़ है भाई। तो गाइस यहाँ पे अब मैं आ गया हूँ बाइक पार्किंग के पास, तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपडेट अच्छा लगा हो तो भी सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय।